Amy, wake up. Oh, shit. You're making me hot! When you're faced with this every day. Hello, दोस्तों, welcome to Horrorland. तो आज की हमारी इस मूवी में हम लोग एक साइको किलर को देखेंगे जो कि अपने फेस पर एक स्नेक का मास्क लगाया करता था और हमें ये भी पता चलेगा कि एक साइको किलर अपना बदला लेने के लिए किस हद तक चला जाता है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत में हम लोग दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि पोकर की नाइट से लौट रहे थे, जिनका नाम स्टैन और माइक था। वो दोनों अपनी कार से वापस जा रहे होते हैं तभी स्टैन को उसके रेडियो पर किसी का हेल्प के लिए कॉल आता है और स्टैन उसकी हेल्प करने जाता है तो अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एमी था, जो कि उसकी एक लवर थी और बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। एमी भागते भागते एक धुंध वाले एरिया में आ जाती है जिसके बाद में स्टैन अपने टॉर्च की हेल्प से उसको ढूंढने लगता है और एमी उसको मिल जाती है। और जब स्टैन उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए तभी पीछे से कोई आकर उस पर अटैक कर देता है जिससे कि स्टैन वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वो अटैकर एमी के नेक में रस्सी फंसाता है और उन दोनों को वहां से ले जाता है। फिर यहां पर सीन कट होता है और हम लोग स्टैन को किलर के घर में होश में आता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो किलर भी आता है और यहाँ पर स्टैन टेलीविजन में अपनी खुद की मिसिंग रिपोर्ट देखता है जहाँ की लोकल जर्नलिस्ट ये बता रही होती है कि स्टैन कुछ दिनों से गायब है और पुलिस उसको ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर जर्नलिस्ट ये भी बताती है कि स्टैन एक बहुत ही ज्यादा बहादुर ऑफिसर है जिसने एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर लिया था। तभी वो किलर टीवी ऑफ कर देता है और वो जर्नलिस्ट किस केस के बारे में बात कर रही होती है ये हमें आगे इस मूवी में पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अब फिर वो किलर स्टैन को एक ट्रैंकुलाइजर जो कि एक बेहोश कर देने वाली दवा होती है उससे बेहोश कर देता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्टैन को लास्ट पोकर नाइट के विजन्स आ रहे थे जहाँ पर वो अपने सीनियर्स के साथ में बैठकर पोकर का गेम खेलकर उसे एंजॉय कर रहा था और वहीं पर स्टैन के सीनियर उसे अपने सॉल्व किए हुए केस के बारे में बताते हैं जहाँ पर एक सीनियर अपना एक केस बताता है जो कि डबल मर्डर का केस था लेकिन सफिशियंट एविडेंस न होने की वजह से उस केस को क्लोज करना पड़ा। तभी वो बताता है कि जब वो अपनी कार से लौट रहा था तो उसे एक सस्पेक्ट की कार एक बार के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी जिसके पीछे वो भी उसी बार में चला गया जहाँ पर वो सस्पेक्ट को देख पाता है और वो उसके लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और उस सस्पेक्ट से झूठ बोलता है कि वो आज बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने एक डबल मर्डर का केस सॉल्व कर दिया है जिसके पीछे वो बहुत सालों से लगा हुआ था। और यह सुनकर उस सस्पेक्ट को शक होता है कि उसके सभी साथी पुलिस के हाथों पकड़े तो नहीं गए। तभी वो ऑफिसर वहां से इतना बोल के चला जाता है और बाहर अपनी कार में बैठकर उस सस्पेक्ट का इंतजार करने लगता है। अब फिर वो सस्पेक्ट बाहर आता है और अपनी कार से क्राइम सीन पर जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर भी उसका पीछा कर रहा है और वो उसके क्राइम सीन पर फोटोज क्लिक कर लेता है और वो अपने बॉस को उन पिक्चर्स को दिखा देता है जिससे वो केस सॉल्व हो जाता है। फिर हम स्टैन के भी सीनियर को देख पाते हैं जो कि अब पोकर टेबल पर गेम खेलने जाता है जहाँ पर फ्लॉयड जो कि स्टैन का सीनियर था उसकी स्टैन से इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। और तभी माइक वहां पर आकर सब कुछ हैंडल करता है और हम लोग उन सभी को पोकर टेबल पर देख पाते हैं जहां पर सीनियर उन्हें बताता है कि जो भी गेम हारेगा वो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल केस के बारे में बताएगा जिससे कि स्टैन को अपने सीनियर से सीख मिल सके। और फिर इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम लोग स्टैन को देख पाते हैं जो कि अपने विजन से बाहर आता है और होश में आकर वो अपने सामने उस किलर को देखता है। फिर वो किलर स्टैन से बातें करता है और उसे अपना नाम स्नेक बताता है और वो स्टैन को अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में भी बताता है कि उसकी एक नॉर्मल सी जॉब थी और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ में रहा करता था लेकिन वो अपनी जॉब से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था जिससे कि वो अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला करता है और अपनी लाइफ के दो मेन गोल सेट कर लेता है जिन्हें वो अपनी नोटबुक के पेज पर लिखता है। उसका पहला रूल था कि छोटी लड़कियों के साथ में इंटीमेट हो। उसका दूसरा रूल ये था कि जो भी पहले रूल के बीच में आए वो उसे मार दे। और इतना डिसाइड करके वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मार डालता है और अपने घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। स्नेक अपने आगे की स्टोरी बता ही रहा होता है कि उसका अलार्म उसको डिस्टर्ब कर देता है और स्टैन को फिर से वो बेहोशी की दवा देकर बेहोश करके वहां से चला जाता है। यहाँ पर स्टैन को फिर से उसके पास्ट लाइफ के विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर वो अपने सामने माइक को देखता है जो कि उसे एमी के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि उसको शक होता है कि एमी और स्टैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
यहाँ पर स्टैन उसे झूठ बोलता है कि उसका एमी के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और तभी स्टैन का कॉल आता है और वो अपने कॉल को पिक करने जाता है। कॉल पर एमी होती है जो कि स्टैन से कहीं पर घूमने जाने के लिए पूछती है और फिर स्टैन माइक से झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर माइक को समझ आता है कि अगर उसका और एमी का कोई रिलेशन है तो बता दे, वरना हमारे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि एमी के फादर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। लेकिन स्टैन मैक को कुछ नहीं बताता है और वहां से चला जाता है। अब हम लोग एमी और स्टैन को एक साथ कार में देख पाते हैं, जहां पर एमी स्टैन को किस करती है। अब यहां पर प्रेजेंट में स्टैन अपने विजन से बाहर आता है और उसको अपने पास में एमी की आवाज सुनाई देती है। वहां पर वो एमी से बात करता है और यहां पर हमें पता चलता है कि वो किलर एमी और स्टैन के अफेयर के बारे में जानता है। फिर हमें दोबारा से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां पर स्टैन का सीनियर ऑफिसर बैरन स्टैन को अपने एक केस के बारे में बताता है और स्टैन से कहता है कि वो इस स्टोरी में खुद को इमेजिन करे। बैरन बताता है कि उसको एक पुराना मर्डर केस दिया गया था, जहां पर उनको मर्डर का डीएनए क्राइम के सीन पर मिल गया था, लेकिन उस डीएनए का मैच उन लोगों को कहीं पर नहीं मिलता है। फिर एक दिन जब बैरन एक वीडियो स्टोर में होता है तो वहां पर उसे एक सस्पेक्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस सस्पेक्ट को बैरन पर शक हो जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो कार की पार्किंग से अपनी कार को उठाता है, जहां पर वो उसका एक्सीडेंट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन बैरन उसे शूट करके उसे मार डालता है। अब हम लोग फिर से प्रेजेंट में स्टैन को देखते हैं, जहां पर उसे होश आता है और स्टैन खुद को हौसला देता है और उसे अपने सीनियर की बात याद आती है, जो कहता है कि कभी भी हौसला नहीं छोड़ो, जिसके बाद में वो उस चेयर को गिरा देता है जिससे वो बंधा हुआ था और खुद को आजाद कर लेता है। अब वो एमी की हेल्प करने के लिए भागता है और वो एमी की आवाज को फॉलो करते करते उस रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि स्नेक अपनी कार से वापस लौट आया है और वो वहां से चला जाता है। फिर चुपते चुपते वो एक डार्क रूम में पहुंच जाता है, जहां पर स्नेक ने उस पूरे घर के सीसीटीवी कैमरा को अपने रूम के कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखा था। फिर स्टैन नोटिस करता है कि स्नेक अपनी कार में बैठा हुआ है और वो एक चाकू से उसके सर को काट देता है। लेकिन ये स्नेक की एक चाल होती है और वो स्टैन को पीछे से शॉक करके बेहोश कर देता है और उसे बेसमेंट में ले जाके बहुत मारता है। फिर यहाँ पर स्टैन को अपने पास्ट का एक और ड्रीम आता है, जहाँ पर उसका सीनियर उसको एक दूसरे केस के बारे में बताता है और स्टैन से कहता है कि तुम खुद को इस केस में इमेजिन करो। ये केस एक फैमिली के मर्डर का था और इस केस में मारे गए पेरेंट का बेटा ही सस्पेक्ट था। सभी पुलिस ऑफिसर इंटरोगेट करते हैं, लेकिन उन्हें मर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर वो सीनियर ऑफिसर उस लड़के को उसी घर में ले जाता है, जहां पर उसने अपने पेरेंट को मारा था। और जब वो लड़का अपने घर को देखता है तो उसे वो सब दोबारा से याद आने लगता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स को मार डाला है, और यहाँ पर वो अपने सारे गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा, जिसके जवाब में वो लड़का उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारते थे और उसे सेक्सुअली अब्यूज भी करते थे, जिससे परेशान होकर उसने उन्हें मार दिया है। अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां पर स्नेक ने स्टैन को एक दीवार में ग्लू से चिपकाया हुआ था और वो स्टैन को अपने आगे की स्टोरी बताता है कि जब उसने अपनी फैमिली को मार दिया था तो उसके बाद में उसको एक परफेक्ट किलर बनने के लिए एक मेंटर की जरूरत थी और उसे उसका मेंटर एक शॉप पे मिला, जो कि स्नेक को किलिंग्स किडनैपिंग जैसा सीरियस क्राइम्स करना सिखाता है। स्नेक और उसका मेंटर एक दिन एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और उसका मेंटर स्नेक के सामने उस बच्ची को बुरी तरीके से मारता है ताकि स्नेक उससे सीख सके। इतना बताते हुए स्नेक अपनी स्टोरी एंड करता है और स्टैन से एक क्वेश्चन पूछता है कि स्टैन ये सोचे कि उसने उससे ही अपना विक्टिम क्यों चुना है, और उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। अब फिर स्नेक एमी को रूम में ले जाता है, जहां पर वो उसे बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपने डैड को कॉल करो और उनके साथ यहाँ से चले जाओ। स्नेक एमी को एक सेलफोन भी देता है और एमी अपने डैड को कॉल लगाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी के डैड स्टैन का सीनियर फ्लॉयड है, जो कि अपनी बेटे की आवाज़ सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। और तभी स्नेक एमी से फोन ले लेता है और फ्लॉयड से बोलता है कि अगर उसको उसकी बेटी जिंदा वापस चाहिए तो उसे $10,000 लेके उसके बताए हुए एड्रेस पर आकर ले जाए। और वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने अपने साथी ऑफिसर्स को इस बारे में कुछ बताया तो वो उसकी बेटी को जान से मार डालेगा। अब फिर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर हम फ्लॉयड को देख पाते हैं, जो कि स्टैन को अपने एक केस के बारे में बताता है
और स्टैन से कहता है कि वो इस स्टोरी में खुद को इमेजिन करें। फ्लड उन्हें बताता है कि ये केस एक सीरियल मर्डर केस का है जिसमें सस्पेक्ट एक फोटोग्राफर होता है जो कि अपने क्लाइंट को स्टारडम का लालच देके उनके साथ में नेस्टी गेम्स खेलता है और उनके प्राइवेट पार्ट को काट डालता है। और जब वो फ्लड का प्राइवेट पार्ट काटने वाला होता है तभी फ्लड के साथी ऑफिसर्स उस फोटोग्राफर को शूट करके वहीं पर मार डालते हैं। अगेन सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम एमी के डेड को देख पाते हैं जो कि स्नेक के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाता है। तभी वो एक आदमी को किडनैप कर समझ के उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो आदमी उसे कन्फेस कर लेता है कि वो किडनैपर नहीं है। जब फ्लॉयड उसे सॉरी बोल के वहां से वापस जा रहा होता है तभी वो आदमी उसे पीछे से स्टेप करके बेहोश कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी ही किडनैपर है। और यहीं पर हमें उस किलर यानी कि स्नेक का चेहरा भी दिखाया जाता है। अब हम लोग स्टैन को देख पाते हैं जिसे स्नेक ने दीवार पर ग्लू से चिपकाया हुआ था और वो अपने पास की एक पाइप को तोड़ देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी गिरने लगता है और पानी की वजह से वो ग्लू से फ्री हो जाता है। तभी स्टैन को एमी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दीवार को तोड़ के एमी के रूम तक पहुंच जाता है। वो एमी को खोलने की कोशिश करता है तभी उसे एहसास होता है कि स्नेक घर में वापस आ चुका है, जिसके बाद में स्टैन और एमी छुप जाते हैं। स्नेक अपने सीसीटीवी रूम में चेक करने जाता है और वो देखता है कि स्टैन वहाँ पर नहीं है और तभी वो उसे ढूंढने के लिए अपनी गन लेके जाता है। और जैसे ही स्नेक उस रूम में आता है तो स्टैन दरवाजे के पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसकी गन से उसे शूट करके उसे मार डालता है। तभी पीछे से स्नेक आकर स्टैन को गन पॉइंट पर ले लेता है और स्टैन यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि उसने अभी अभी किसे शूट कर दिया है। और जब वो उसका मास्क हटाकर देखता है तो वो एमी का डैड फ्लॉयड था जिसे स्टैन ने शूट करके मार दिया था। और फिर गुस्से में आकर स्टैन स्नेक पर हमला करता है लेकिन स्नेक उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब स्नेक एमी के पास जाता है जो कि अपने पिता की मौत की वजह से रो रही थी। स्नेक उसे टच करता है लेकिन एमी ने अपने पास एक नुकीली लकड़ी छुपाई हुई थी जिसे वो स्नेक पर अटैक कर देती है और उस लकड़ी को स्नेक के गले में घुसा देती है। गुस्से में आकर स्नेक एमी को भी मारकर बेहोश कर देता है और सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम लोग स्टैन को एक चेयर पर बंधा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर स्टैन को फिर से अपने पास्ट के विजन आते हैं और वो अपने और उस केस को देखता है जिस केस ने उसे अपने एरिया का लोकल हीरो बना दिया था, जैसा कि हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। स्टैन अपने विजन में एक कार्गो यार्ड को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उस एरिया का पूरा व्यू लेने के लिए वो एक कंटेनर पर चढ़ जाता है ताकि ऊंचाई से वो उस एरिया को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। ऊपर वो एक इलेक्ट्रिक लाइन को देखता है जो कि कंटेनर के अंदर जा रही थी। उसे देखने के लिए स्टैन उस कंटेनर के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पॉलीथीन में पैक्ड दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि कोई और भी उस कंटेनर के अंदर आ रहा है और स्टैन उस किलर को शूट करके मार डालता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग माइक को स्नेक के घर पर देख पाते हैं जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया था। स्नेक से पूछताछ करते समय माइक उसके गले में बैंडेज देखता है जिसको उसे स्नेक पर डाउट होता है और वो उसे ये कहता है कि मुझे तुम्हारे गले को चेक करना है। स्नेक उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, तो माइक उसे बताता है कि वो अकेला है और उसकी टीम कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके बाद में स्नेक उसे अंदर आने देता है और स्नेक मौका देखते हुए माइक को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माइक उसे एक पंच मारता है और उसको गोली मार देता है। फिर माइक स्नेक को हथकड़ी से बांध देता है और उस घर को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी वो उस घर में स्टैन को देखता है और उसकी हेल्प करने के लिए अपनी टीम को कॉल करने लगता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो इस वजह से वो कॉल नहीं लगा पाता है। और तभी पीछे से स्नेक आकर माइक के सर पर गोली मार के उसे मार डालता है और स्टैन को भी एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर स्टैन फिर से हेलुसिनेट करने लगता है और पोकर नाइट में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सीनियर उसे बता रहे होते हैं कि एक ऑफिसर को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी स्टैन को होश आता है और उसे स्नेक की वो बात याद आती है जब उसने स्टैन से पूछा था कि मैंने तुम्हें अपना विक्टिम क्यों बनाया है। स्टैन सोचता है और उसे याद आता है कि जिस किलर को उसने कार्गो यार्ड में उस कंटेनर के अंदर शूट किया था दरअसल वो ही स्नेक का मेंटर था और उसने ही स्नेक को किलिंग सिखाई थी और इसी वजह से स्नेक ने अपना बदला लेने के लिए उसे और एमी को किडनैप किया है। अब स्टैन अपने पास पड़ी हुई कीज उठाता है और अपनी हथकड़ी खोल देता है। तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है और स्टैन यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अभी भी बेहोश है। और जब स्नेक उसके नज़दीक होता है
तभी वो उसके गले में हथकड़ी फंसा कर उसे उसी चेयर पर बंद कर देता है और स्नेक का मांस हटा के उसके फेस को देखता है। तभी स्टैन को अचानक से एमी की याद आती है और वो एमी के रूम में जाता है। एमी वहाँ पर बेहोशी की दवाई की वजह से बेहोश पड़ी हुई थी और स्टैन उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है और अपने साथ स्नेक की गन को भी ले लेता है। अब जब वो घर के बाहर आता है तो देखता है कि उस घर को पुलिस ने घेर रखा है क्योंकि स्टैन की पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और उसके हाथ में गन भी थी, जिसके कारण पुलिस को लगता है कि स्टैन ही किलर है और पुलिस उसे गन फेंकने के लिए कहती है। लेकिन स्नेक ने उस गन पर ग्लू लगा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो स्टैन के हाथ से नहीं छूटती है और पुलिस उसे गन नहीं छोड़ने की वजह से शूट कर देती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग स्टैन को जेल में देख पाते हैं, जिसे एक लेडी ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और स्टैन उसे बताता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एमी बेहोशी की दवाई के ओवरडोज की वजह से पिछले एक साल से कोमा में थी और जब उसे होश आता है तो पुलिस को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद में स्टैन को आजाद कर दिया जाता है। आजाद होने के बाद में स्टैन उस किलर यानी कि स्नेक को ढूंढता है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक घर में आ जाता है जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची को चेयर पर बंधा हुआ देखता है। तभी वहाँ पर पीछे से एक स्नेक का मास्क पहने एक आदमी आता है, जिसे किलर समझकर स्टैन शूट कर देता है और जब वो उसका मास्क हटाता है तो वो स्नेक नहीं था, स्टैन ने किसी और को किलर समझकर दूसरी बार शूट करके मार दिया था, जिसके बाद में उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और फिर हम लोग स्टैन को उसी पोकर टेबल पर देखते हैं जहाँ पर स्टैन अपने मन में कह रहा था कि वो स्नेक को कभी नहीं मार सकता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस मूवी में हम लोगों ने देखा कि एक मेंटली सिक आदमी किस तरीके से अपनी फैमिली को मार देता है और वो साइको किलर बन जाता है, जिसके बाद में वो बहुत सारी छोटी और मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। और हमने ये भी देखा कि सीरियल किलर अपना बदला लेने के लिए दरिंदगी की किस हद तक पहुंच जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।